आपको सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहां पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो शहीद जवान गणेश कुंजाम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त सीधे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ ही शिव जहेरिया छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए ये अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। और इससे पहले जिस तरह से जिक्र किया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवेदनशील मुखिया हैं और उनकी संवेदनशीलता देखिए कि उस जवान को खुद कंधा दे रहे हैं। जब ये शोक की का जो समाचार है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिला तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि वीर गति को प्राप्त हुए इस जवान गणेश कुंजाम की शहादत को प्रदेश और देश कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद से ही लगातार केंद्र सरकार और डिफेंस के तमाम लोगों के संपर्क में मुख्यमंत्री थे और उनके अधीनस्थ तमाम आला अधिकारी पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जितने भी जो जवान हैं जो सेना में शामिल हुए हैं उनकी भी लोकेशन ली गई है, कितने लोग कहां पर हैं। तमाम परिजनों को ये आश्वस्त कराना कि आप सबकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, भूपेश बघेल की है। तो शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई, फिर उसके बाद शव को शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। अब
सेना के ये जो तमाम अफसर हैं, शहीद गणेश राम कुंजांग के गृहग्राम लेकर उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, साथ ही शिव जहेरिया भी मौजूद। तो नम आंखों से अपने शहीद जवान को विदाई देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। भोपाल में